لا مدوم ايش هذا؟ هذا كاميرا. يشوف؟ دقيقة. तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? ये है मैं सलमान और मैं रूम से निकल गया हूँ। ये देखो हमारे प्यारी से फूलझड़ी गली जो है, इतना दूर अच्छा लगता है, बाद में धूप लगता है। तो हम चल रहे हैं दुकान पे और दिखाते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या है। तो हाँ दोस्तों, अब मैं निकल गया हूँ बकाले की तरफ, ताकि मैं चल के कुछ पीने और खाने के लिए ले सकूँ। ठीक है, ये देखो जो मेरा दुकान है, ब्लैक बोर्ड का लिखा है, अभी मैं आ रहा हूँ इस पर। लेकिन इससे जाने से पहले चल रहा हूँ पहले बकाले पे, यानी तो चलूँगा पहले बकाले पे, उसके बाद खाने के लिए कुछ लूँगा और ड्रिंक करूँगा, मतलब पेप्सी वेप्सी लूँगा। ड्रिंक करूँगा तो यहाँ पे मिलता नहीं, पेप्सी में कोल्ड ड्रिंक मिलता है। तो चल रहा हूँ और दिख गए मेरे को तब तक ये फूल वाले भैया, जो कि मुझे फूल देते हैं अपने कंपनी से ला के, मैं उसका बुके बनाता हूँ। तो अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो उनके पास चल रहा हूँ, वो अच्छे इंसान भी है। ये देखो ये वाले हैं, वो तो बंगाली भाई है, बंधु भाई है। तो बंधु भाई कमर में मैंने हाथ डाला, वो डर गया, फिर मैं बोला और क्या हाल है, बोलता है ठीक है। ये देखो फ्लावर, ये फ्लावर जो मुझे ला के देते हैं, तो कितना प्यारे प्यारे फ्लावर है, बहुत ही अच्छा अच्छा फ्लावर है। ये फ्लावर मेरे को ला के देते हैं तो मैं बुके बनाता हूँ, ताकि कस्टमर आके लेके जाए, पसंद करता है। तो देखो गाइस कैसा इतना अच्छा फूल, बहुत अच्छा अच्छा फूल है। तो मैंने फिर मैं चल रहा हूँ दूसरी जगह। और ये जो रूम के साइड में मेरे रूम में बंदा रहता है, और ये बंदा इतना मतलब डिस्टर्ब करता है ना, हम बात करना ना चाहे फिर भी ये बंदा बात करता है, और बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सामने से बोल नहीं सकते, क्योंकि क्या बोलेंगे उसको। जो मेरे रूम पे एक दोस्त रहता है, इसरार नाम है उसका, उसका साइकिल है ना, ये लेके चला गया था। वो गया है आज पैदल ड्यूटी गया, बहुत गुस्सा कर रहा था। ये देखो मिलते डर गया पूरा। मैं बोला साइकिल, मैंने बातचीत किया, फिर मैं बोला साइकिल लेके गया, तो बोलता हाँ लेके गया। तो मैं कभी, बोलते अभी लेके गया था, अभी मतलब यानी कि 2 बजे ड्यूटी आता हूँ मैं, और वो 1 बजे ड्यूटी जाता है। सीधा सीधा बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको बोला है इसरार आएगा रात में, तो तुम समझ लेना उससे वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। बोलता है ठीक है भाई, हंस रहा था अभी भी। बोला हंस रहा, रात में आएगा तो तुम्हें बहुत कुछ बोलेगा, तुम समझा लेना, समझ लेना। बोलता है ठीक है भाई। मैं बोला गाली वाली दे रहा था, हो ना सके तुम्हें मारे हो रहे। तो बोलता है ठीक है भाई, पूरा सदमे में भाई, डर गया पूरा। लेकिन मैंने इसको बोला तुम्हें लेके जाना है तो 1 बजे से पहले लेके जाओ, लेकिन 1 बजे ला के दे दो, क्योंकि 1 बजे ड्यूटी जाता है वो। चलो फिर चलते हैं, कोई बात नहीं, इसका तो रात में इसरार देखेगा, अभी चलते हैं ब्लॉग में। तो हाँ, फिर हम चल रहे हैं सीधा सुपर मार्केट में। ये देखो साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, बत्ती बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन अच्छी हैं। और धूप ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं छाँव छाँव में चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की धूप ना भाई पूरा चमड़ी उधार के रख देगी भाई, अगर आधे घंटे तुम रह जाओ तो धूप में। फ़िलहाल इंडिया की धूप तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ की धूप बाप रे बाप, जो सऊदी में होगा उसको ही पता चलेगा कि यहाँ क्या है। ठीक है, ये देखो ये भाई मेरे को सलाम ठोका, इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, लेकिन कैमरा वैमरा देख के शायद वो कर दिया होगा सलाम। फिर कोई बात नहीं, अच्छा किया सलाम ठोका भाई ने, फीलिंग अच्छी आई। आई एम द, कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है। नहीं सॉरी। तो फिर मैं आ गया सुपर मार्केट के करीब, तब तक भाई देखा एक सुदानी जो कि अपनी धंधों स्टार्ट करने के लगा था। भाई चलो अच्छी बात है, चले जाओ अपने घर द्वार। और तो मैं एंट्री कर चुका हूँ सुपर मार्केट में, किसी को ढूंढ रहा हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा है। मैं बोला चलो फिर, नहीं दिख रहा तो अंडे को दिखा देता हूँ। ये देखो कितने पत्ते अंडे रखे हैं, गर्मी में भी इतने सारे अंडे। ये देखो ये आइसक्रीम आइसक्रीम वगैरह है, क्योंकि मैं खाता नहीं, क्योंकि गला ख़राब हो जाएगा, वैसे भी गला ख़राब हुआ है। और ये जो है इधर पेप्सी का स्टिकर लगा रहा था। ये जो जूस मैं कभी कभी पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता हूँ इसको, और जो अपना फेवरेट है वही पीता हूँ। जा रहा तो उधर ही लेने, लेकिन फिर माइंड में आया दूसरा पीता हूँ। फिर ये मुझे अचानक से देखा मिरिंडा, नया क्वालिटी का आया था और मुझे अच्छा लगा। ऐसे तो मैं हरा वाला लेता हूँ, लेकिन ये ऑरेंज वाला ज़्यादा अच्छा लगा कल, क्योंकि कल रात में पिया था मैं और मेरा दोस्त, तो अच्छा लगा था, इसलिए फिर एक बार आ गया हूँ दोपहर में। अभी कुछ खाया हुआ है कुछ नहीं हूँ, सीधा सो के उठ के आ गया हूँ। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ ले लूँ, फतायर वतायर, फतायर मतलब केक बोलते हैं, केक वगैरह ऐसे बोलते हैं इसमें, फतायर बोलते हैं आर्मी में। तो ये इसमें से ले लेता हूँ, ये जो कि मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी का है और चीज़ का है। तो मैं चलता हूँ काउंटर पर सीधा, मैं उसको बुलाऊँगा जल्दी से, आ भाई काउंटर पर हिसाब कर, वो आएगा उसके बाद देखो क्या होता है।
मन तो कर रहा था भाई कि बिना हिसाब कराए लेके चला जाऊं, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने जेब से 5 रियाल निकाल दिया है। शायद 5 रियाल होगा, 3 रियाल का वो, 2 रियाल का पेप्सी यानी मिरिंडा, यानी 5 रियाल होगा टोटल। ठीक है, तो मैं अभी इसको हिसाब कर लूँगा। और तो हिसाब कराने के बाद अब मैं निकला हूँ उससे, और ये रहा मेरा जो सामान लिया मैंने, और मैं जा रहा हूँ अभी अपने मंजिल पे, यानी कि मेरे दुकान पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ एडजस्ट करें। मैं छाव में इसलिए चल रहा हूँ ताकि धूप ना लगे, क्योंकि धूप ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। अभी कितना डिग्री होगा मालूम है? 43 होगा। तो 43 डिग्री का समझ लो गर्मी कितना और धूप कितना है, आप तो समझ ही सकते हो। तो इसलिए मैं छाव में बच बचे जा रहा हूँ। फिर मैं सोचा कब तक बचूँगा, एक बार तो धूप लगेगा ही लगेगा, तो इससे अच्छा चलो धूप ही में लग लेते हैं। तो ये सोच कर, ये देखो सामने गड्ढी गुड्ढा है, लेकिन उतना भी गड्ढी गुड्ढा नहीं है, क्योंकि इधर साइड में रोड ज़्यादा वो अच्छा नहीं इसलिए। लेकिन बाकी रोड तो यहाँ का माशाल्लाह, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते सऊदी की रोड के बारे में। ये जो बर्गर का दुकान है, फ्लंक नाम है इसका, बहुत सारे खाते हैं लेकिन मैं कभी तक नहीं खाया इतना पास रह के। बजट की वजह से नहीं, माइंड नहीं किया, मन नहीं किया, इसलिए नहीं खाया बस, और ऐसे कुछ बात नहीं है कि। तो मैं अभी अपने मंजिल के पास पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत ही करीब है और मैं अपने मंजिल पे बहुत ही खुश रहता हूं, अकेला रहता हूं, और मैडम आती है शाम को। तो मैं अब तक चलता हूं और कुछ फटाफट बनाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, 2 बज गया है, तो मुझे 4 बजे से पहले बाका बनाना होगा, क्योंकि 4 बजे के बाद कस्टमर आते हैं। अभी तो कोई दिखता अभी नहीं होगा, जो गाड़ी में है वही घूम रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ क्रॉस करके अपने दुकान के करीब। ये देखो गालिया लिखा है अरबिक में, नीचे वाइट वाला थोड़ा सा लिखा है अरबी, वो मालूम नहीं, लेकिन महल का नाम गालिया। ये देखो मैं कांच में दिख रहा हूँगा, और मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद तो हाँ गाइस, फाइनली ओपन हो गया। ये देखो मैं हूँ, जो कि कैमरा मैन बना पड़ा हूँ, जो भी ये अच्छा है। और पहले आके सबसे पहला काम ऐसे चालू करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए ऐसे चालू करना पड़ रहा है। अगस्तों का महीना है, तो अगस्तों में यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, और ऐसे चालू हो गई है। फिर हर दिन का वही रोना धोना, फूल के पास जाना, फूलों से बातचीत करना, अच्छा लगता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा साले फूल नहीं थे, बस 2-3 थे, तो इन सब से बात कर रहा हूँ। बाकी तब तक के लिए बाय, और कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में।